वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीआईटी टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 सीआईटी 001 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका ट्रू फॉल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको 10 मार्क्स का दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। क्या प्राइमरी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होती है? आंसर इज यस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। अब समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, यस, प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बिकॉज इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द सीपीयू। मींस जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्ट उसका कनेक्शन होता है किसके साथ? सीपीयू के साथ, राइट? और ये क्या अलाउ करती है? दिस अलाउज द सीपीयू टू क्विकली एक्सेस एंड प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इनेबलिंग इट टू रीड एंड राइट डेटा एट हाई स्पीड। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका डायरेक्ट कनेक्शन सीपीयू के साथ होता है, तो वो क्या करता है, क्विकली एक्सेस कर सकता है उसको और प्रोसेस कर सकता है किसको, डेटा और इंस्ट्रक्शन को, ठीक है? किसके लिए? रीड करने के लिए और राइट करने के लिए एट हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड पर। इन कंट्रास्ट सेकेंडरी मेमोरी जो डिवाइसेस होती हैं हैव स्लोअर एक्सेस टाइम, उनका एक्सेस टाइम जो होता है वो बहुत स्लो होता है और ट्रांसफर रेट जो होता है वो कम होता है देन प्राइमरी मेमोरी, है ना? प्राइमरी मेमोरी के अपेक्षा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उनका एक्सेस टाइम और ट्रांसफर रेट स्लो होता है, राइट? प्राइमरी मेमोरी को हम लोग रैम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ऑन द अदर हैंड इज नॉन वॉलेटाइल, जबकि जो आपकी रैम होती है मेन मेमोरी वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है। जब तक पावर सप्लाई होती है तब तक आपका डेटा रहता है, और जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है सारा का सारा डेटा इरेज हो जाता है, राइट? जबकि सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, मीनिंग इट रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर आपका पावर ऑफ हो भी जाता है तब भी डेटा रिटेन्स रहता है ना, डेटा उसमें परमानेंटली रहता है। तो कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज इंक्लूड हार्ड डिस्क हो गई, आपकी ऑप्टिकल डिस्क हो गई, है ना? तो इसमें डेटा क्या होता है कि अगर आपका पावर सप्लाई फेल भी हो जाती है किसी कारण से या आप ऑफ कर देते हैं तब भी आपका डेटा रिजर्व रहता है, राइट? विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा लॉन्ग टर्म, है ना? तो आप लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर प्रोग्राम्स को, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। कैश मेमोरी इज मेड ऑफ डीरैम। डीरैम मतलब डायनेमिक रैम। तो आंसर इज फॉल्स, ठीक है? आपका आंसर फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, कैश मेमोरी जो होती है वो किसकी बनी होती है? स्टैटिक रैम की, राइट? कैश मेमोरी इज यूजली मेड ऑफ हाई स्पीड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम जो होती है वो फास्टर होती है किससे? डायनेमिक रैम से, एट रीडिंग एंड राइटिंग डेटा। अगर आपको रीड करना है या राइट करना है उसमें जो स्टैटिक रैम होती है वो फास्टर होती है डायनेमिक रैम के, एंड इट कैन बी एक्सेस मोर क्विकली, और इसको बहुत ही तेजी से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है? एस रैम जो होती है ऑफन यूज फॉर अ कंप्यूटर्स कैश मेमोरी। जो एस रैम का यूज होता है वो कैश मेमोरी के लिए होता है, सच एज अ प्रोसेसर्स L2 और L3 कैश, ठीक है? हाउएवर जो डायनेमिक रैम होती है वो यूज होती है फॉर अ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, जो आपकी मेन मेमोरी रैम होती है उसमें आपका डायनेमिक रैम यूज होती है, बिकॉज इट्स चीपर एंड सपोर्ट ग्रेटर डेंसिटी। क्यों? क्योंकि वो सस्ती भी होती है और ग्रेटर डेंसिटी सपोर्ट करती है, राइट? स्टैटिक रैम जो होती है वो मोर एक्सपेंसिव होती है देन डायनेमिक रैम के, राइट? एंड नॉट कॉमनली यूज फॉर कंज्यूमर एप्लीकेशन, हाउएवर इट्स स्टिल अवेलेबल फॉर परचेज मेनली फॉर सिस्टम बिल्डर्स, राइट? तो ये आपका आंसर हो गया फॉल्स। कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी स्टैटिक रैम की बनी होती है, ना कि डायनेमिक रैम की। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पी रोम अलाउज इट्स एंटायर और सिलेक्टेड कंटेंट टू बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड। देखिए, ये भी आपका ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? नाम ही इसका है रीड ओनली मेमोरी, और पी डिनोट करता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि ये कैसी मेमोरी होती है जिस पर एक बार प्रोग्राम लिख दिया जाता है, जो भी कंपनी होती है, फर्मवेयर होती है, वो एक बार उसमें प्रोग्राम लिख दिया जाता है और वो परमानेंटली रहता है उसमें, राइट? उसको इरेज नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम लोग कौन सी मेमोरी यूज करते हैं? EPROM या EEPROM, राइट? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। PROM, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इज द टाइप ऑफ मेमोरी चिप प्रोग्राम्ड वंस बाय द मैन्युफैक्चरर और यूजर, राइट?
आफ्टर विच द मेमोरी कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, चेंज नहीं किया जा सकते। पीरोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट रिटेन्स इज कंटेंट इवन वेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, राइट। जो पीरोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, अगर आपका पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाती है तब भी वो डेटा जो कंटेंट है वो रिटेन्स रहते हैं। पीरोम इज अ टाइप ऑफ रोम, पीरोम जो है वो रोम का ही एक टाइप है, मीनिंग इट कैन ओनली बी रीड, जैसा कि नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें आप केवल रीड कर सकते हैं, नॉट रिटन टू, और इसमें लिख नहीं सकते। वंस प्रोग्राम, यानी कि एक बार अगर प्रोग्राम कर दिया जाता है, द पीरोम कैन स्टोर डेटा डेट नीड्स टू बी एक्सेस रिपीटेडली, और उसमें एक बार प्रोग्राम कर दिया उसको आप जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं बारम्बार, सच एज बूट कोड और फर्मवेयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, राइट। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट, सी डी आर कैन बी रिटन ओनली वंस एंड कैन बी रीड एज मेनी टाइम, तो ऑप्शन इज ट्रू। जो सी डी आर होता है, आर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रीड के लिए, तो उसमें क्या होता है, आप प्रोग्राम को एक बार उसमें राइट कर देते हैं, उसको आप कितनी भी बार रीड कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसको समझ लेते हैं। सी डी आर डिस्क इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क डेट कैन ओनली बी रिटन वंस एंड रीड आर्बिट्रेरिली मैनी टाइम्स, राइट। नेक्स्ट, इन हाफ डुप्लेक्स मोड देयर मस्ट बी टू कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, आंसर इज फॉल्स, राइट। जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें केवल एक ही चैनल होता है, ना कि दो, राइट। जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें दो चैनल होते हैं, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। विथ हाफ डुप्लेक्स देयर इज वन कम्युनिकेशन चैनल डेट इज यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा, राइट। केवल एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जो कि यूज किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए डेटा को, और जो डिवाइसेज होती हैं, बोथ डिवाइसेज आर नॉट एबल टू सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम, जो दोनों डिवाइसेज होती हैं वो एबल नहीं होती, योग्य नहीं होती हैं सेम टाइम पर डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए, राइट। एज दिस वुड रिजल्ट इन अ कोलिजन ऑन द बस और नेटवर्क कॉजिंग ट्रांसमिशन एरर और डेटा लॉस, राइट। क्यों? क्योंकि अगर एक ही चैनल है और अगर ये चीज नजरअंदाज करी जाएगी तो वहां पर कोलिजन होगा जो कि आपके ट्रांसमिशन में एरर और डेटा लॉस जनरेट कर सकता है, तो यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है एट अ टाइम। फिर नेक्स्ट, हाउ ब्रॉडकास्ट अ मैसेज टू एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क, आंसर इज ट्रू, राइट। जो हब होता है उसके पास अपनी कोई नॉलेज नहीं होती है, राइट। वो क्या करता है कि वो जो भी उसके पास मैसेज आता है वो इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं रखता है कि मैसेज को कहाँ भेजना है, वो क्या करता है मैसेज को सभी डिवाइसेस को भेज देता है जो उससे कनेक्ट होती हैं, राइट। चलिए इसको समझ लेते हैं। यस, अ नेटवर्क हब ब्रॉडकास्ट अ मैसेज टू एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू इट, यानी कि जो आपका हब होता है वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है सभी डिवाइसेस पर जो उससे कनेक्ट होती हैं। हब्स आर सिंपल डिवाइसेस डेट वर्क्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, राइट। आपका जो ओएसआई मॉडल होता है जिसमें सेवन लेयर्स होती हैं, तो जो हब होता है वो किस पर वर्क करता है, फिजिकल लेयर पर, ठीक है। एंड डोंट हैव द एबिलिटी टू फिल्टर डेटा और आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट, और इसके पास इतनी योग्यता नहीं होती है कि ये फिल्टर कर सके डेटा को और आइडेंटिफाई कर सके किस डेस्टिनेशन पर पैकेट को सेंड करना है, राइट। दे सिंपली रिसीव डेटा सिग्नल्स फ्रॉम द कनेक्टेड डिवाइस, ये केवल क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं उनसे और रीब्रॉडकास्ट देम, और उसको पुनः ब्रॉडकास्ट कर देता है इसको टू ऑल अदर डिवाइसेस जो भी उससे कनेक्टेड होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंडेड रिसिपेंट, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि वो किसको भेजा जाना है, किस रिसिपेंट को किसके पास भेजा जाना है, राइट। ये सभी को भेज देता है, जिसका हो वो ले ले, राइट। चलिए नेक्स्ट, गेटवे प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द नेटवर्क, राइट, आंसर इज ट्रू। जो गेटवे होता है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि फायरवॉल्स होती हैं, है ना। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यस, अ नेटवर्क गेटवे कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अ नेटवर्क, अ नेटवर्क गेटवे इज अ डिवाइस, जो नेटवर्क गेटवे होता है वो डिवाइस होती है डेट इज लोकेटेड एट द नेटवर्क बाउंड्री, जिसको लोकेट किया जाता है नेटवर्क बाउंड्री पर, विच मेक्स इट एन आइडियल प्लेस टू सेटअप सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि एक आदर्श स्थान होता है सेटअप करने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को। गेटवेज कैन इंक्लूड फीचर्स फॉर इंस्टॉलिंग
एंड मैनेजिंग सिक्योरिटी टूल्स। गेटवे इंक्लूड कर सकता है फीचर्स को फॉर इंस्टॉलिंग करने के लिए और मैनेजिंग करने के लिए सिक्योरिटी टूल्स को, सच एज फायरवॉल्स, क्लाउड सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड अदर लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, राइट। दे कैन ऑल्सो ट्रांसमिट और ब्लॉक नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज, राइट। जो भी कॉर्पोरेट की नेट सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है उनके बेस पर। चलिए नेक्स्ट, वी कैन हैव ओनली वन फंक्शन इन अ सी प्रोग्राम, आंसर इज फॉल्स। क्या आपके सी प्रोग्राम में केवल एक ही फंक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर ये बोलता कि उसमें केवल एक फंक्शन होना चाहिए जो कि मेन होना चाहिए, वो तो सही है। यानी कि उसमें बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं लेकिन उसमें एक फंक्शन मेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक ही फंक्शन हो सकता है तो ये कहना गलत होगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। नो, वी कैन हैव मैनी फंक्शन इन अ सी प्रोग्राम, बट जो वी कांट डिफाइन अ फंक्शन इन साइड अनदर फंक्शन। हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दे सकते, बट वी कैन कॉल एनी नंबर ऑफ फंक्शन इन साइड अ फंक्शन और अ फंक्शन कॉल इट सेल्फ कॉल्ड रिकर्जन। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कितने भी नंबर ऑफ फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, या फिर कोई एक फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है, जिसको हम लोग रिकर्जन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, हेडर फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम सोर्स कोड, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन इज फॉल्स। हेडर फाइल्स क्या करती है? हेडर फाइल्स हमारे लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपने studio.h हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं, वो किसके काम आती है? वो प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आप ONIO हेडर फाइल जो यूज करते हैं वो किसके काम आती है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, जो कि आपके क्लियर स्क्रीन, गेट सीएच फंक्शन वगैरह के लिए यूज की जाती है। तो देखिए, हेडर फाइल्स आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम सोर्स कोड, नो, हेडर फाइल्स आर सोर्स फाइल डेट कंटेन्स प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन, राइट। जो क्या कंटेन करती हैं, जो पहले से डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उनको, डिक्लेरेशंस, कॉन्स्टेंट्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, फंक्शन प्रोटोटाइप एंड शेयर्ड डेटा स्ट्रक्चर फॉर सी प्रोग्रामिंग, राइट। दे कैन हेल्प इम्प्रूव द रीडेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ योर कोड, ये हेल्प करती हैं इम्प्रूव करने के लिए रीडेबिलिटी और फंक्शनैलिटी ऑफ योर कोड। हेडर फाइल्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज include files because they are inserted into a program that using has include statement, है ना। यानी कि जैसे आप लिखते हैं has include studio.h, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो करंट प्रोग्राम होता है उसमें ये हेडर फाइल इंक्लूड हो जाती है, राइट। और इससे जुड़ी हुई जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, प्रोटोटाइप्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो सब इंक्लूड हो जाते हैं आपके करंट प्रोग्राम में। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आप उसके लिए सारा अरेंजमेंट करके रखते हैं, वैसे ये आपका हेडर फाइल्स होती हैं जो आपके प्रोग्राम को प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, उन फाइलों को हमें यहाँ पर इंक्लूड कराना होता है, राइट। और क्योंकि इसका एक्सटेंशन .h होता है, जिसको हम लोग हेडर फाइल के नाम से जानते हैं। हेडर फाइल्स आर टिपिकली नेम्ड विद अ .h एक्सटेंशन। द सिंटैक्स ऑफ अ हेडर फाइल्स यूजली इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स, has, ndef, राइट, हेडर फाइल नेम एच, डिफाइन हेडर फाइल नेम एच, है ना, एंड डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ हेडर फाइल्स, studio.h, डिक्लेयर फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, math.h, कंटेन फंक्शन रिलेटेड टू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, यानी कि मैथमेटिकल के जितने भी फंक्शन होते हैं उनके लिए यूज करी जाती है। नेक्स्ट, द फॉर लूप एंड वाइल लूप आर प्री टेस्ट लूप, बिल्कुल सही है, जिसको हम लोग इंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर इंट्री कंट्रोल लूप या प्री टेस्ट लूप की बात कही जा रही है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये दो लूप आपको चलने की इजाजत देंगे, और अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो लूप नहीं चलेगा, राइट। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यस, बोथ फॉर लूप्स एंड व्हाइल लूप्स आर प्री टेस्ट लूप, ऑल्सो नोन एज इंट्री कंट्रोल लूप्स। दिस मीन्स दे इवेलुएट द लूप्स कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, राइट। पहले ये क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं लूप्स की कंडीशन को, कब? एग्जीक्यूट करने से पहले लूप की बॉडी को। इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू द लूप बॉडी वॉन्ट रन, राइट। यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप की बॉडी में जो भी है वो रन नहीं करेगा। एक्सप्लेनेशन, व्हाइल लूप, द कंडीशन इज टेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप, इफ कंडीशन इज फॉल्स द लूप बॉडी वॉन्ट रन। फॉर लूप,
The condition is also tested at the beginning of the loop. For loop are typically used when the number of iteration is known before entering the loop. यानी कि फॉर का लूप हम कब यूज करते हैं, जब हमें पता होता है कि वो कितनी बार चलने वाला है. कंपेरिजन विद अदर लूप, जो डू वाइल लूप होता है राइट, वो क्या करता है, वो आपका पोस्ट टेस्ट लूप होता है. यानी कि वो एटलीस्ट वन टाइम जरूर चलता है. क्यों? क्योंकि उसमें जो टेस्टिंग होती है वो बाद में होती है, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स. यानी कि अ पोस्ट टेस्ट लूप डेट एग्जीक्यूट द लूप बॉडी, यानी कि इसमें लूप बॉडी जो होती है वो पहले एग्जीक्यूट करती है एटलीस्ट वंस, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स. यानी अगर कंडीशन आपकी फॉल्स भी है तो जो लूप बॉडी है वो एक बार जरूर रन करेगी राइट. व्हाइल लूप में पहले व्हाइल कंडीशन आती है, फॉर लूप में आपका इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंटेशन साथ होता है राइट. डू व्हाइल में पहले डू यानी कि जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद व्हाइल की कंडीशन आती है राइट. तो आई थिंक आपको सभी ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए होंगे विद एक्सप्लेनेशन. अगर आपको अभी भी किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं. साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. और हाँ, बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. थैंक यू.